संसद में महिला आरक्षण विधेयक पेश हो जाने के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हो गया। इसके विरोध में ग्वालियर में ओबीसी महासभा ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की मांग की। ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य धर्मेंद्र कुशवाहा ने सरकार ओबीसी समाज के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। वहीं ओबीसी महासभा के विश्वजीत रतौनिया ने देश में 50% महिलाओं की आबादी होने के बाद भी महिलाओं की 33% आरक्षण को नाकाफी बताया है। ओबीसी महासभा ने कहा कि आरक्षण की सीमा केवल लोकसभा विधानसभा तक सीमित नहीं रहना चाहिए, ये आरक्षण राज्यों के विधान परिषद, राज्यसभा, कार्यपालिका, न्यायपालिका में भी लागू होना चाहिए। तो निश्चित ही ये दिखता है कि सरकार पिछड़ा वर्ग विरोधी है, और हम लोगों ने एक खुला पत्र प्रधानमंत्री जी को भी दिया हुआ है और हमने ये बोला है कि इस समाज को, ओबीसी वर्ग को इस महिला बिल में वंचित नहीं किया जाए, और यदि हमारी बात को नहीं माना जाता तो 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है और लोकसभा का 24 होने वाला है, तो पूर्ण रूप से ओबीसी वर्ग के लोग पूर्ण रूप से ऐसे जो बिल के पूर्ण रूप से विरोध करेगा और उसका खामियाजा चुनाव में दिखाई देगा इनको। 50% आबादी, जो कुल महिलाओं की आबादी है उसमें से 50% आबादी ओबीसी वर्ग की है, तो उन ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। उनको ओबीसी वर्ग की महिलाओं को आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधित्व देने का काम जो सरकार को करना चाहिए, जो हमने खुले पत्र में लिखा है, अन्यथा की स्थिति में अगर सरकार ये नहीं मानती है तो हम सरकार को घेरने का काम करेंगे। कि सरकार इस बिल में परिसीमन की बात कर रही है और परिसीमन 2021 में जनगणना होनी थी, अब 2031 में होगी, इसका मतलब परिसीमन 2031 के बाद होगा, का ये फैसला कहीं जुमला साबित ना हो जाए, इसलिए सरकार को इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए और प्रत्येक महिला के हक और अधिकार इस बिल के माध्यम से सुनिश्चित करना चाहिए।